उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अहमद फैजल महतो ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बीएचयू की कला संकाय में आगामी 24 मार्च को शेरे बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आए हुए प्रतिभागियों में से जो भी प्रतिभागी विजयी होगा उसे नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है अहमद फैजल महतो, मैं काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का रीज़न ये है कि आगामी 24 मार्च को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कला संकाय के ऑडिटोरियम में दशहरे बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, जो स्वर्गीय अनुरोध चटर्जी की जो मिस्टर स्वदेशिया थे हमारे बनारस के, उनकी डेथ हुई, उन्हीं की याद में ये चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं। और ये चैंपियनशिप सुबह 11 बजे स्टार्ट होगी और ये चलेगी करीब 2 बजे तक, और फिर 3 बजे से नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। ये शाम को 6 से 7 बजे तक ये संपन्न होगा। नॉर्थ इंडिया में हमारा 1 लाख रुपये का कैश मनी है और इसमें बेस्ट ऑफ 3 को उस पर कैश मनी दिया जाएगा। फर्स्ट को 3100 रुपया, सेकेंड को 2100 रुपया और थर्ड को 1100 रुपया दिया जाएगा। उसके साथ ही उनको सप्लीमेंट एंड गिफ्ट से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो बनारस में के जितने प्लेयर हमारे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन दाजिम शिवाला पे 23 तारीख को रात में शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा, ताकि इनका रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले ले रहे हैं बनारस भर के प्लेयरों का। और जो बाहरी प्लेयर्स आएंगे सब पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को ही सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और 3 बजे चैंपियनशिप स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों चैंपियनशिप 24 तारीख को है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कला संकाय के ऑडिटोरियम में। कितने दिवसीय का प्रोग्राम है? ये एक दिन का प्रोग्राम है जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ इंडिया 2 चैंपियनशिप एक साथ होगी। कहाँ कहाँ से लोग हैं इसमें? पूरे नॉर्थ इंडिया से प्लेयर आ रहे हैं। पूरा यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सभी जगह से प्लेयर ऑफिशियल्स आ रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कम से कम 200 से 200 प्लेयर नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में 125 प्लेयर की हम लोगों को उम्मीद है। आप अपनी तरफ से सारे खिलाड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गेम कराने का मेन मकसद ये होता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये नशे से दूर रहे, अपने फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि पिछला जो कोरोना गया है सबको ये पता है कि कोरोना काल में जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है वो कोरोना काल से बचा रहेगा, और जो जिम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने सेहत पर ध्यान देगा, वो अन्य बीमारी से भी बचा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ हमारा जो है समाज और देश आगे बढ़े, ये हम लोग का मेन कराने का मकसद रहता है। धन्यवाद।